ये गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगुन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाए। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रहें, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से, दुनिया से खास तौर पर विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, और रविवार से ही इन मेहमानों का अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। करीब एक आंकड़ा है, करीब 7,000 के आसपास गणमान्य अयोध्या में इस खास समारोह में शामिल हो रहे हैं, और लाखों की संख्या में इस वक्त आम और खास लोग अयोध्या धाम में मौजूद हैं। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा, और इस समारोह के अनुष्ठान को लेकर भी काफ़ी खास तैयारियां की गई हैं, वो भी बेहद भव्य होने जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए 121 के करीब आचार्य होंगे, और तमाम जो विशिष्ट जन हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में यहाँ पर किस तरह से आज हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण में। और अयोध्या की कथा सरयू के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है, और मान्यता यह भी है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित हैं, और इस नदी का जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से ही कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य को वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। आज अयोध्या कई सदियों और अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे, अभी बैठ जाइए।
साथ के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित हैं। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर पधारते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के, बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूप के रूप में, और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें
तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छहों के छहों परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहाँ पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखा था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का, अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई तो ये जो पौष मास है अश्विनी वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की प्रकृति की इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में,
सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न हैं। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुँचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है, इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो जो अब जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था, वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को, असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रक्त है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए, और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस साथ देख रहे हैं, सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मूर्ति है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन मित्रों के साथ समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म ने जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को
एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है। हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हो रहा है। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के यात्रा के प्रसार के लिए गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे। तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 साल का उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान दौरा भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 करोड़ से अधिक गाँव में का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमदास से अयोध्या की यात्रा के साथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे जिन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उनका पुनरागमन और आज Thank you.
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी
सारे संतों से ये संसद संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। Thank you.
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त, आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति काया, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है, और कहा गया है कि तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि हैं, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है, और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है वो इस धराधाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्ला माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं न राजा राम हैं न पतित पावन हैं न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी
यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली मस्तक नमन किया है ईशान कोण के में बैठे हुए आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रांगारणे विहि श्रेणुयामो देवा भद्रं पश्ये माक्षोभिर्जाजतराः स्थिरैरंगै सुष्टुवाग्सस्तानु विर्व्याशे महि देवाहिता जादायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज उडुपी मठ पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरी जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति योगी आदित्यनाथ मैं
रामदास जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में दो चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के दो बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा। सौ वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका, इसके जो अनेक कारण हैं उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस
प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है। और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वो स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवन आदर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है, और इन समस्त जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं। और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है, आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं, आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए, 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया, उस समय उन्होंने
एक शब्द को सुना था, भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर, आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं। जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है, ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारु, अखंड स्थिति का निर्धारु, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूँ आशीर्वचन के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है, इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज,
रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की जय, जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में बाजार विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है, हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर
भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विह्वलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है। उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया वह सदियों तक अभिषिक्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है।
आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टा के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले एक कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासियों के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंग चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी
सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के श्रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच ना पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है। सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को, शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा, ऐसे ही इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तब किया,
अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। सब नरक रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे। और धर्मरत थे याने क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पहर है सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है, तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाए, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। ये करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही, ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा
और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया। वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है, उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है, जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे, देख रहे, अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे खास जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे लाल रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है
अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं।
हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे योग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में, उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की, वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया
जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोड़ी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है, और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने
जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की यह प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है,
राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम दस सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा, हमारी चेतना का विस्तार, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में,
जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी, शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे, प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भव्य भारत का आधार बनेगा और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है, प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की बंधुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे, लेकिन जटायु, जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए, वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए, ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम पुरुषार्थ समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा, इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृतकाल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है।
ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है, वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है, जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, साधु संत, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के।
देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में, आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धरा धाम, अयोध्या धाम, सरयू सब कुछ प्रसन्न आनंदित उल्लसित और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का, आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म संप्रदाय मत पंथ सबका यहाँ पर सम्मिलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, दशाशंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विश्वनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीरपंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वर्करी, वीर शैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मिलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू,
मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में है। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है, और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देही सशक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत श्रुतम चैवयत यत्तंत का किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो, अयोध्याम च परब्रह्म सरयूह सगुण अपमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में वो भी अयोध्यावासी हैं, जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं वो भी अयोध्यावासी हैं, जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं, और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज़्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को, आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने
बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर उस कृष्णवर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और